नावर फारूकी ने कल रात पार्टी की, काफी सारे केक्स कट किए, काफी ज्यादा डांस किया और वहां पर काफी सारे लोग पहुंचे, पर बिग बॉस का कोई भी कंटेस्टेंट वहां उस पार्टी में नहीं था, जिसके कारण हेटर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, उंगलियां उठानी शुरू कर दी। हालांकि हेट फैलाने से पहले, उंगली उठाने से पहले भाई, इसके पीछे की सच्चाई भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जो हेटर्स होते हैं ना, मैं तो बोलती हूँ कि उनके पास भी ना तो थोड़ा सा हेट एटलीस्ट कुछ ऐसा फैलाओ ना जिसके जिसके ऊपर ना थोड़ा टैकल करना भी मुश्किल हो, मजा आए उसको टैकल करना। ऐसी बकवास की अगर चीजें करोगे तो भाई हम तो मतलब कि ऐसा जैसे कि गंदगी होती है पानी मारते हैं ना, वैसे मार के साफ कर देंगे उसको। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जो ये चीजें कर रहे हैं। भमला फाउंडेशन, इस फाउंडेशन ने जो है मुनावर फारूखी को बुलाया था और ये फाउंडेशन काफ़ी सारे मददगार लोगों की मदद करते हैं। और वहाँ पर फैजू थे, काफ़ी और लोग थे, सेलिब्रिटी थे, करण कुंद्रा भी थे। तो लोगों का कहना ये है, हेटर्स का कहना ये है कि मुनावर पार्टियां करता फिर रहा है, केक काटते फिर रहा है, डांस करते हुए फिर रहा है, पर किसी भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट को पार्टियों में इनवाइट नहीं करता। भाई जब खुद की पार्टी होती है ना तब इनवाइट किया जाता है। क्या आप लोग किसी और की पार्टी में किसी 10 लोगों को ले जाते हैं क्या? जो हेटर्स हैं उनको बोल रही हूँ कि 10 लोगों को ले जाते हैं, आपको पड़ोसी ने इनवाइट किया, आप ले गए अपनी दोस्तों को 20-30 को, तो आपका पड़ोसी तो नेक्स्ट टाइम आपको करेगा ही नहीं। ये तो हमारी ये बातें हैं, बट ये एक्चुअली में एक कॉमन सेंस भी होती है। ऐसा थोड़ी ना कि सबको घुसा के ले जाओ। अभी ये इस फाउंडेशन ने मुनावर फारूखी को और बाकी सेलिब्रिटीज को जो है इनवाइट किया और मुनावर का वहां पर केक कट किया, क्योंकि मुनावर इस फाउंडेशन पे काफी मदद करते हैं। तो भाई हेटर्स, उंगली उठाने से पहले एटलीस्ट थोड़ा होमवर्क तो कर लिया करो, नहीं तो गंदगी जैसे साफ कर दिए जाओगे, बकेट एक बकेट पानी का लगेगा बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।